हाय बच्चों, कैसे हो आप? आज हम शुरू करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो उसमें एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक मॉलिक्यूल्स और आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बट नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी जो धर्म सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसका नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स कितना है या आयन्स कितने उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता जो धर्म, उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए आप? तो हमने यहाँ लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टीज। वन इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नंबर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर थ्री डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर वन इज ओस्मोटिक प्रेशर। पहला क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने इसको राउल्स लॉ में अच्छी तरह पढ़ा है। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? मान लीजिए हमने एक सॉल्वेंट लिया है वाटर, वाटर का जो वेपर प्रेशर था एट इट्स प्योर स्टेट, मान लीजिए हमने उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, जैसे कॉमन सॉल्ट डाल दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए आप? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर ओरिजिनल में था वाटर का, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम सॉल्यूट डाले क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट, और बाद में कितना हो गया सॉल्यूट डालने के बाद, पी एस, तो कितना हुआ लोअरिंग वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस। इफ विल टेक रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव मीन्स ओरिजिनल कितना था या प्योर शेड कितना था, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट इज नथिंग बट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द नंबर अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन साइड दैट सॉल्यूशन। दिस इज नथिंग बट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या हो गया, P नॉट माइनस पी एस बाई पी जी, पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन द सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्यूट के पार्टिकल्स के क्वांटिटी, यानी कितने पार्टिकल से उसके ऊपर डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप समझ गए, लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, हमने अभी पहले से बोला था। तो ये होगा क्या, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट द सॉल्यूशन भी डाइल्यूट, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब हम लिखेंगे, अगर इसको थोड़ा डिराइव करेंगे, तो P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट का हम उसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने लिखा स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, तो नीचे भी स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। इसका मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, स्मॉल एम क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, हमने यहाँ लिख रखा है। डब्ल्यू हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम हो गया मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल एम क्या हो गया मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ वैसे ही लिखा डब्ल्यू बाई एम डिवाइडेड डब्ल्यू बाई एम प्लस डब्ल्यू बाई एम। ये नीचे का डब्ल्यू बाई एम वी कैन कैंसिल बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल विथ कंपेयर टू द सॉल्वेंट। हम जब सॉल्यूट डाल लें, डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स बहुत कम होगा सॉल्वेंट के हिसाब से, अगर एक लीटर पानी लिए इसमें 10 ग्राम अगर हम डालें तो 10 ग्राम या 5 ग्राम उसका वैल्यू कितना कम है, तो डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर शुड बी वेरी स्मॉल एंड इट इज इन द डिनोमिनेटर, सो वी कैन नेग्लेक्टेड इट और वी कैन नलीफाई इट। सो व्हाट विल हैपन, डब्ल्यू बाई एम बाई डब्ल्यू बाई एम, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इन टू कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू। समझ गए? तो हमने क्या लिखा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये जितने सारे पैरामीटर्स अभी हैं, इसमें से अगर हमको
कितना पैरामीटर्स, दो दो चार तीन, दो दो चार दो छः, छः पैरामीटर में से हमको पाँच की इसका वैल्यू पता चल गया तो छठवां का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी दिस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन इफ उसका क्वांटिटी कितना पता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए, ओरिजिनल प्रेशर कितना होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए कितना, और सॉल्यूशन स्टेट में सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर अगर उनको पता चल गया तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। समझ गए? तो ये फॉर्मूला में यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वी कैन यूज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आप समझ गए? देखिए बच्चों एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी के ऊपर, लोअरिंग वेपर प्रेशर के ऊपर। एंड आपको सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जिट्स से प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। पहले हमको समझना चाहिए 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का क्वांटिटी 100 ग्राम है और उसमें 2 ग्राम क्या है सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 2 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 100 माइनस 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 92 ग्राम। समझ गए? तो हमने देख लिया 98 ग्राम कितना हो गया सॉल्वेंट का हो गया और इसका कितना हो गया 2 ग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर क्या दे रखा है, बोला एग्जर्ट से प्रेशर ऑफ 1.004 पर कौन प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ना, सोल्यूशन एग्जर्ट कर रहा है, तो पीएस पीएस एंड प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.004 वेपर प्रेशर 1.004 बार। वी नो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहां बॉइलिंग पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 1.0 एटीएम, यानी 1.0 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, तो पीएस इज इक्वल टू 1.013 बार, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर हमने अप्लाई किया तो 1.013 बार हो गया। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज डब्ल्यू बाई एम एम डब्ल्यू पी जीरो कितना पी नॉट कितना है 1.013 माइनस 1.0 डिवाइडेड 1.013 इज इक्वल टू इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना है 18, सॉल्वेंट है क्या है वाटर है तो कितना हो गया 18 डिवाइडेड एम इंटू डब्ल्यू कितना था 98, तो हमने इसको वैल्यू निकाला कितना हो गया 41.38 ग्राम। समझ गया? तो आप समझ गए कि ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट उसमें कितना था उसका 41.38 ग्राम। आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझो तो आसानी से प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरी को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, बिफोर दैट वी शुड रिमाइंड द बॉइलिंग पॉइंट क्या था, द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ आप मान लीजिए एक सॉल्वेंट ले रखे हैं, ये वाटर ही ले रखे हैं ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है, हम अगर उसमें डाल दें कुछ सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का कम हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जरूर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि हम अभी डिस्कस किए थे व्हेन एवर वी आर एडिंग एनी सॉल्यूट इट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन का कम हो जाता है, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है, वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर हम नमक का पानी को बॉयल करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। समझ गए आप? तो आप देखिए ये ग्राफ हमने यहाँ किया है, इधर टेम्परेचर इधर वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ग्राफ में ये क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी इस प्रेशर में अगर बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा इट विल रीच एट द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ देखिए T1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे सॉल्वेंट क्या हो जाता है बॉयल हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ क्या प्रेशर इक्वल हो जाता है T1 पे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं T2 कर देते हैं तो वहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, नहीं यानी टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्यूशन बॉयल हुआ, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सॉल्वेंट, तो कितना बढ़ा T2 माइनस T1 कितना डेल्टा TB, ठीक है ना, हमने यहाँ लिखा T2 माइनस T1 इज डेल्टा TB। ऐसा देखा गया है, इट हैज बीन फाउंड आउट दैट दिस डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन।
मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलालिटी क्या था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। याद है आपको, सॉल्यूशन नहीं, केजी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना केजी था उसके ऊपर, इसके अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था। तो यहाँ लिखा है डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम वन, यानी डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी एम डैश। एम डैश हो गया मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। के बी क्या है? के बी इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज एब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर एब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। एम डैश इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था? हमें बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मान लीजिए स्मॉल डब्ल्यू हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन साइड दैट और मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, स्मॉल एम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, ठीक है ना। नीचे कितना हो जाएगा, मान लीजिए डब्ल्यू हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम केजी में उसको कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग 1000, डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो हम 1000 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है ना, इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू, दिस इज मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम अगर यहाँ इस इक्वेशन में इसको डालेंगे तो कितना होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सो मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा है, स्मॉल एम है, ठीक है ना। तो स्मॉल एम कितना होगा, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल टी बी ए डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आप हम जब ये लिख रहे हैं आपको ये याद रखना चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, स्मॉल एम क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। और कैपिटल एम अगर हम कहें तो क्या होगा, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब हमको अगर मोलालिटी मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, एब्लियोस्कोपी कांस्टेंट चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूट चाहिए, डिवाइड बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और क्या आना चाहिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये पता चल गया तो हमको हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन साइड द सॉल्यूशन। यहाँ इसको क्यों बोल रहे हैं, दिस इज एन क्वालिटी, दिस इज ए क्वालिटी प्रॉपर्टीज, हम बोल रहे थे क्वालिटी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन, एम वन क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द के जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मोलालिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डेल्टा टी कितना हो, किसके ऊपर हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी डेल्टा टी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, कोई भी सॉल्यूशन हम फॉर्म करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। कितना बढ़ता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर उसके सॉल्यूशन का मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसका डेरिवेशन कैसे, ये जो हमने किया उसका डेरिवेट कैसे करेंगे, हाउ डिड इट डिराइव, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ हमने डिराइव किया है डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेल्टा पी क्या था मालूम है आपको, पी नॉट माइनस पी एस डेल्टा पी, ठीक है ना। सब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट, क्योंकि डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट हमने पढ़ा था कहां, राउल्ट्स लॉ में, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट कितना है, एन बाई एन प्लस एन, एन कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम अगर इसको लिखेंगे, वही एन ऊपर रखो, यहाँ डब्ल्यू बाई एम प्लस डब्ल्यू बाई एम, हमने बताया था डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो गया क्या, मास ऑफ द सॉल्यूट, स्मॉल एम क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू क्या हो गया, मास ऑफ द सॉल्वेंट, कैपिटल एम कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ ऊपर इसको ए नहीं रखो,
नीचे WIM दिस इज कैंसल्ड, क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना, और ये डिनोमिनेटर में तो वी कैन नलीफाई इट, तो कितना हो गया n / कैपिटल W / कैपिटल M इज इक्वल टू n डॉट n * कैपिटल M / कैपिटल W, ठीक है ना। तो हम यहां कौन सा लेंगे, एक सॉल्यूट के जगह पे यहां इसको हम पुट करेंगे। अब देखिए एक सॉल्यूट के जगह पर हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा TB * k * स्मॉल n * कैपिटल M / कैपिटल W। ये कैपिटल एम को इधर ले आइए, के एम कर दीजिए इन डॉट इन टू एन बाई डब्ल्यू। कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कांस्टेंट। हम जो सॉल्वेंट लेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, इन टू एन बाई डब्ल्यू। तो के एम इज ए कांस्टेंट, वी कैन राइट इट एज कांस्टेंट। डेल्टा टी भी एन बाई एम नथिंग, एन बाई डब्ल्यू नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या हो गया, दिस इज मोलालिटी। सो के एम इज कांस्टेंट के, वी कैन राइट के बी एब्ल्यूस को भी कॉन्स्टेंट इन टू एम डैश, यानी डेल्टा टी वी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, जो हमने यहाँ लिखा है डेल्टा टी वी प्रोपोर्शनल टू एम डैश यानी मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, आप समझिए। तो डेल्टा टी वी एज इट डिपेंड्स अपॉन द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बच्चों देखो एफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट इज बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। के बी फॉर वाटर इज गिवन 0.52 kg पर मोल। अब देखिए पहली बात है इसका डेल्टा टी वी कितना, डेल्टा टी वी कितना, चेंज इन टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, पहले था कितना बोला 99.63 था, अब कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो कितना डेल्टा टी हो गया, हमने यहाँ निकाला है देखिए टी टू इजल 100 डिग्री टी वन 99.63, सो डेल्टा टी इजल 0.37 है ना। आखिर का टेम्परेचर बिलो पहला टेम्परेचर कितना हुआ 0.37। मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू कितना दे रखा है 500 ग्राम्स। मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना है 18। मास ऑफ सॉल्यूट सुक्रोज एम इज इक्वल टू हमको निकालना है, कितना ऐड करना है उसमें ना, कितना सुक्रोज ऐड करना है ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वो पूछ रहा है एक सॉल्यूशन है उसमें हम वाटर है उसमें कितना सुक्रोज हम डालेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ जाए क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। पहले 99.63 था अब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 750 mm में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट सुक्रोज एम हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम इज इक्वल टू C12 H23 O11 का कितना हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। वी नो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, राइट, के बी इंटू मोलालिटी। सो मोलालिटी इक्वल डेल्टा टी बाई के बी, डेल्टा टी बी कितना हो गया 0.37 डिवाइड बाई के बी कितना 0.52, तो कितना आ गया 0.715। मोलालिटी एम डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने अभी निकाला था स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सो यहाँ मोलालिटी कितना हो गया हमारा 0.715 इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू हमको निकालना है डिवाइड बाई एम कितना है, मॉलिकुलर मास कितना है हमारा 342 डिवाइड 1000 यानी 342 ग्राम पर मोल था, हम केजी पर मोल उसको कर दिए 1000 डिवाइड कर दिए इनटू यहाँ कितना था कैपिटल डब्ल्यू यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 500 ग्राम्स यानी डिवाइड 1000 केजी हो गया, तो कितना है डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बाई 0.342 0.15। सो स्मॉल डब्ल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर दैट विल बी 0.1216 केजी यानी 121.6 ग्राम्स, ठीक है ना। हम अगर फार्मूला को याद रखेंगे और गिविन डाटा को सही से लिखेंगे तो वी कैन सॉल्व इट इजीली। अब देखिए दूसरा एक रिलेशन बिटवीन एब्लियोस्कोपी कांस्टेंट के बी, रिलेशन बिटवीन एब्लियोस्कोपी कांस्टेंट के बी एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज ए रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, द प्रॉब्लम्स आर कमिंग ऑन दिस रिलेशन। के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर 1000 एलवी, R इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, टी नॉट ला नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एल वी लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज ग्राम इनवर्स, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। अनदर रिलेशन इज दैट के बी इज इक्वल टू आर टी जीरो स्क्वायर कैपिटल एम डिवाइडेड 1000 डेल्टा एच वी। कैपिटल एम में क्या होगा, हमने बोला था मॉलिकुलर मास ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा एच वी क्या है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
इसमें देखिए एल बी के जगह क्या हो गया, डेल्टा एच बी ऊपर कैपिटल एम चला गया, यानी एल बी इज इक्वल टू डेल्टा एच बी बाई कैपिटल एम, समझ गए। तो ये दोनों आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि यू कैन सॉल्व इजीली द प्रॉब्लम्स। ओके देखो बच्चा, अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वी विल डिस्कस नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो इज अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है इसको समझने के लिए पहले आप ये ग्राफ देखिए, ठीक है ना। ये ग्राफ एक्स एक्सिस में हमने टेम्परेचर ले रखा है और वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर ले रखा है। टेम्परेचर टी नॉट और वेपर प्रेशर पी नॉट, दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर और टी नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट। मान लीजिए लिक्विड सॉल्वेंट ए टू बी, बी पॉइंट यानी एट द टेम्परेचर टी नॉट हो यार द वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड सॉल्वेंट, यानी लिक्विड कन्वर्ट होता है कौन सा में, सॉलिड में, यानी दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्यूशन क्या हुआ डी से ई और ई से एफ आने के बाद, यानी टेम्परेचर टी पे पहुंचने के बाद, टी नॉट से टी क्या है कम है, टी पर पहुंचने के बाद ये क्या हुआ सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, यानी इसका वेपर प्रेशर लो हो गया कितना हो गया पी, यानी टी पी टेम्परेचर टी और वेपर प्रेशर पी में क्या हुआ सॉल्यूशन क्या हुआ सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, यानी पहले टेम्परेचर ज्यादा था वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक के साथ बराबर था, वहां तक फ्रीजिंग पॉइंट किसका सॉल्वेंट का, लेकिन सॉल्यूशन का क्या हुआ वेपर प्रेशर कम हो गया, ये पी पे आकर इसका क्या हो गया सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, आप समझ रहे हैं। तो इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट था और टी हो गया तब कितना डिप्रेशन हो गया टी नॉट बाई टी, टी नॉट माइनस टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी। इट हैज बीन फाउंड आउट दैट एक्सपेरिमेंटली देखा गया किसके पर डिपेंड करता है ना मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो वी कैन राइट डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम डैश, एम डैश इज नथिंग बट द मोलालिटी, इम्प्लाइज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम डैश, के एफ इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, इसका नाम है मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब एम डैश हमने पिछले बार भी कैलकुलेशन किया था किसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, दिस इज एम डैश इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या था मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट द सॉल्यूशन, स्मॉल एम क्या था मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट और कैपिटल डब्ल्यू क्या था ना मास ऑफ द सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम डैश, एम डैश के जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हम इसको डिराइव करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा स्मॉल एम यानी मॉलिक्यूलर मास एम ऑफ द सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू होल डिवाइडेड डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। वी हैव टू रिमेम्बर दिस रिलेशन और दिस फॉर्मूला व्हिच वाज डिराइव्ड फ्रॉम दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रिंसिपल। ओके अब देखिए न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज ए विटामिन सी हुज फॉर्मूला इज C6H8O6 बी डिजॉल्वड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। केफ यानी क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल हैज बीन गिवन, राइट सर। सो हाउ विल यू सॉल्व इट, फर्स्ट यू सी मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ कितना दे रखा है दैट इज 75 ग्राम ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड यहाँ क्या है सॉल्वेंट है, उसमें हम क्या डालेंगे एस्कॉर्बिक एसिड को डिजॉल्व करेंगे सॉल्यूबल करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू यहाँ को डिटरमाइन कितना हम एस्कॉर्बिक एसिड डालेंगे, ठीक है ना, वी हैव टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एस्कॉर्बिक एसिड क्या है C6H8O6 उसका है 176 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा टी एफ दे रखा है कितना मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा यानी टेम्परेचर घटता है डिप्रेशन हो रहा है टेम्परेचर में, सो यू कैन राइट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है
3.9 केल्विन किग्रा पर मोल। अभी हमने इसको लिख दिया सारा, ये सब हो गया। अब हमको डिसाइड निकालना क्या है, स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हियर हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, ये जो फॉर्मूला में लिखे थे यहाँ लिखा एम इज इक्वल टू 1000 के एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो हमको निकालना क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है यानी मास ऑफ सॉल्यूट का। तो हम यहाँ से निकालते हैं स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू होल डिवाइड बाई 1000 के एफ। समझ गए आप। तो मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ मास मोलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, किसका ना सॉल्यूट का, हो गया 176। डेल्टा टी कितना दे रखा है 1.5, डब्ल्यू कितना दे रखा है 75, होल डिवाइड 1000 के कितना रखा है 3.9। इसको हम सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, होगा 5.076 ग्राम। समझ गए, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी बात नहीं। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब किसके पर डिपेंड करता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलालिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट। सो इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन साइड द सॉल्यूशन। ठीक है, अब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैव टू डिस्कस, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करने से पहले हमको जानना चाहिए व्हाट इज ओसमोसिस, है ना। ओसमोसिस इज ए फेनोमेनन इफ वन सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। आर यू क्लियर। मान लीजिए एक तरह नमक का पानी है और दूसरे तरह सिर्फ खाली पानी है, उनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम रखेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, आप अंडा देखे हो, अंडे को जब हम ऊपर से छिलका निकाल देते हैं उसके नीचे से एक बिल्कुल पतला सा हल्का सा मेम्ब्रेन जैसा निकलता है ना, वो जब हम बॉयल करके उसको उसका छिलका निकाल देते हैं एक नरम सा बिल्कुल पतला सा मेम्ब्रेन निकलता है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक नेचुरल एग्जाम्पल है ना। तो अगर हम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और खाली पानी के बीच में एक उसी टाइप का मेम्ब्रेन रख लेते हैं तो क्या होगा, हम देखेंगे ना पानी के साइड से पानी क्या होगा, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, फ्लो करेगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज ओसमोसिस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन टेल दैट ओसमोसिस इज द फेनोमेनन इन व्हिच इफ टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन और द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन साइड सॉल्यूशन विल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द हायर कंसेंट्रेशन साइड और सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन साइड, है ना। इसको अच्छी तरह समझने के लिए देखिए मैं एक यहाँ बनाया हूँ। मान लीजिए एक बीकर में अभी यहाँ वाटर है, ठीक है ना, और एक हमने लिया है टेस्ट ट्यूब और वो थोड़ा डायमीटर उसका कम होना चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब के नीचे के हिस्से में हम एक इसको यहाँ से इसको छेद कर देंगे और छेद के ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको हम इसके क्या करेंगे, इसको कवर कर दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसको क्या करेंगे इस पानी के बीकर में इसको डुबा देंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक का पानी ले लेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर मान ली इनिशियल हाइट हमने इतना नमक का पानी लिया था और इसको इसमें डुबाया था, किसमें, बीकर में, ठीक है। बीकर में जब डुबाया था हम कुछ देर के बाद देखेंगे ये बीकर में जो नमक का पानी था इसका हाइट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। कहाँ से इंक्रीज, कैसे हुआ ना, इस इधर जो पानी था इसका कॉन्सेंट्रेशन पानी, देर इज ओनली वाटर इज देयर, हियर क्या था नमक, तो इसका कंसेंट्रेशन जरूर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ सॉल्ट है और दिस इज ए सॉल्वेंट और दिस इज ए सॉल्यूशन, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। सो द प्योर सॉल्वेंट विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो बात नहीं बन सकता है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हम डालेंगे
तो क्या होगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल या वाटर इसके अंदर घुसेगा, यानी इसका हाइट बढ़ जाएगा। दिस इज नोन एज ओसमोसिस। आप समझ गए, ओसमोसिस ओनली ड्यू टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज सेपरेट्स सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ओसमोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस है ना, ओसमोसिस और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैस में डिफ्यूजन होता है, लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन ओसमोसिस ओनली हैपेंस इन द केस ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस, लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है, दोनों में हो सकता है ना। और ओसमोसिस क्या रिक्वायर करता है, इट इज मैंडेटोरी टू हैव ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज मैंडेटोरी टू हैव ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर द ओसमोसिस, बट फॉर द डिफ्यूजन इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, हम यहाँ लिखें हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओसमोसिस एंड डिफ्यूजन। ओसमोसिस क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड, दैट इज मैंडेटोरी, इट्स नॉट नीडेड, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जरूरत ही नहीं है। नंबर टू, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो कौन सा करता है ना, लिक्विड करता है, यानी हमने जब ऐसे बोला, यहाँ बोला वाटर कहाँ जाता है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ जाता है, यानी सॉल्वेंट कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका ज्यादा है ना, तो यहाँ से इधर जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन जस्ट अपोजिट टू दैट। मान लीजिए मेरे सामने इधर बहुत से गैस है और दूसरे तरफ थोड़ा सा गैस है, तो बहुत से गैस के तरफ से थोड़ा सा गैस के तरफ गैस का भागेगा, यानी इट विल डिफ्यूज इन साइड दैट। और अच्छा एग्जांपल आप लेंगे डिफ्यूजन ओसमोसिस के अंदर फर्क क्या है, मान लीजिए हम एक बीकर में कुछ वाटर लेते हैं, उसमें शाही का 8-10 बूंद डाल देते हैं, ब्लू शाही का या ब्लैक शाही का 8-10 बूंद डाल देते हैं, आप देखना कुछ देर के बाद वो जो डार्क ब्लू शाही या ब्लैक शाही वो क्या होगा, पानी में बिल्कुल घुल मिल जाएगा, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। समझ गए आप, अगर हम लेते हैं इसी बीकर, मान लीजिए कुछ नहीं इस बीकर पानी है, उसमें हम शाही का बूंद डाल देते हैं, तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलर विल चेंज टू आइदर ब्लू और ब्लैक अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द इंक, इंक का जो कलर होगा वही कलर वाटर हो जाएगा, तो वहाँ डिफ्यूज हो गया, क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ। समझ गए, ब्लू का मान लीजिए आप शाही लेते, शाही का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कम है, तो शाही हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी वो किस में गया, वाटर में घुल गया है ना, तो डिफ्यूजन उसको बोलते हैं, लेकिन इधर क्या, उसका अपोजिट हुआ, लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन बाय मीन्स ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तीसरा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव, इधर क्या होता है ओस्मोसिस में, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव, हियर क्या होता है, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल मूव करता है किसमें, डिफ्यूजन में। समझ गए, चौथा, रेस्ट्रिक्टेड टू सॉल्यूशंस ओनली, ये सॉल्यूशन या लिक्विड केस में दिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, बोथ इन सॉल्यूशन एंड गैसियस स्टेट ऑल्सो इट इज सीन। लास्ट वन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग प्रेशर, वो जो ओसमोसिस होता है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ वाटर जाता है, हम यहाँ इतना प्रेशर डाल देंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, घुस नहीं सकता, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड, यानी बाय द अप्लाइंग सम एक्सटर्नल प्रेशर दो ओसमोसिस कैन बी प्रिवेंटेड, बट डिफ्यूजन इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट, इट कैन नॉट प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर देने से डिफ्यूजन बंद नहीं हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल हमने दे रखा है, वाटर के मनोफर अगर ऊपर जाता है, दिस इज ओसमोसिस, सॉरी दिस इज ओसमोसिस, हम अगर यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पानी इसके नीचे तरफ आएगा, पानी क्या आएगा, नीचे तरफ, निचले तरफ में पानी आएगा। ठीक है ना, और ये हो गया ये ऊपर पानी जाएगा, ये ऊपर सॉल्वेंट जाएगा, अगर हम उसको ले लेंगे, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है ना, इधर पानी नीचे आएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर सॉल्यूशन सीधा सॉल्वेंट के तरफ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन के सब डिफ्यूजन, लेकिन ओसमोसिस में क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, बट देर विल बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप समझ गए डिफ्यूजन क्या है और ओसमोसिस क्या है, तो ओसमोसिस ड्यूरिंग द ओसमोसिस सर्टन प्रेशर इज क्रिएटेड बाय दिस मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ जो पानी का मॉलिक्यूल जाता है, ये इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल के इधर आते हैं, अगर इस प्रेशर को हम चेक करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे टू चेक द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर।
यहां हम इतना प्रेशर दें, मान लीजिए पी प्रेशर दे रहे हैं या पाई प्रेशर दे रहे हैं, ये पाई प्रेशर क्या कर रहा है, ये और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इसके अंदर जाने नहीं देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू चेक और टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। इट इज क्लियर। तो ये और अगर हम उतना प्रेशर डालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर डालेंगे, तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर जा नहीं सकता है। दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज पाई। पाई के जरिए हम इसको नोटेशन देते हैं। तो उधर कुछ लॉज हैं, एक पहला लॉ बॉयल्स भेंटॉप लॉ इन ऑस्मोसिस। हाउ इट इज ना, पाई प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वन बाई वी दैट इज टी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। वन बाई वी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, वन मोल पर लीटर या नंबर ऑफ मोल पर लीटर, लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिस इज वन मोल, इफ विल टेकन दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट इज सी कॉन्सेंट्रेशन वी कैन राइट, राइट। दिस इज बॉयल्स भेंट ऑफ लॉ। लॉ कैन बी एक्सप्लेन एज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड चार्ल्स भेंटॉफ लॉ, ये क्या लॉ है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ कंबाइन ही बहुत लॉज, हम जैसे कंबाइन लॉ करते थे, अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो गया, पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, बिकॉज वन बाई वी इज नथिंग बट सी वी हैव रिटन, सो सी एंड टी, सो पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, बिकॉज वन बाई वी आई हैव रिटन सी, राइट। सो पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी मीन्स एन बाई वी, आई वॉज टेलिंग यू, मैं बोल रहा था कि सी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो n by v r t, c is equal to n by v, so this is the formula we have to remember for osmotic pressure, osmotic pressure pi is equal to n by v r t, right, pi is equal to n का मतलब w by m, solute n number of solute, number of moles of solute, so mass of the solute divided by molecular mass of the solute divided by v, that is volume of the solution in liter, right, r t. So we can write pi is equal to w by small m v r t. So this m is nothing but the molecular mass of the solute. So we can find out molecular mass of the solute is equal to w by pi v r t. Here, if we have to determine the molecular mass of the solute present inside the solution, we need its osmotic pressure, its mass present inside that, and the volume of the solution, and r and t temperature we need. Okay, r is the constant. So we can easily calculate the molecular mass of the solute present inside the solution. Besides that, in your daily life you will have seen आपने देखे होंगे, जब अंडे लेते हैं आप, अंडे को बॉयल करते हैं या बॉयल करने के बाद उसका आप छिलका ऊपर का जो हार्ड कवर है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, दो अंडे लीजिए, एक को क्या करिए, एक लीटर प्योर पानी में उसको डालिए और दूसरे बीकर में एक लीटर नमक के पानी में डाल दीजिए, सॉल्ट सोल्यूशन में डालिए और इसको डालिए, आप एक एक घंटा रुक लीजिए, आप देखे व्हाट विल हैपन, इन वाटर द एग विल स्वेल एंड इन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन द एग विल श्रिंक। ओके, वाटर के बीकर में हमने एग डाला है, इसका अंडा का साइज बढ़ गया है ना, अगर हम इनिशियल सॉल्यूशन में डालेंगे तो अंडा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये क्यों हुआ, व्हाट व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, ना एक कॉज क्या है, हमने ये बताया वाटर अभी और एक के अंदर जो था सॉल्यूशन था, इट्स कॉन्सेंट्रेशन हाई और इसके ऊपर क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हमने पहले बात कर चुका है कि अंडे के अंदर जो होता है दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या फ्लो किया, वाटर फ्लो किया है ना, तो पानी इसके अंदर गया, जब पानी इसके अंदर गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वाटर हमको बड़ा, ए अंडा हमको क्या बड़ा दिखने लगा, दिस इज नोन एज एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम दो तरह यहाँ कह सकते हैं, एक एंडो ऑस्मोसिस क्योंकि यह पानी भीतर गया ना, इधर क्या देखिए, इधर NaCl सॉल्यूशन इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और इसके अंदर का एक का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कम था, तो यहाँ अंदर से पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, इट फ्लो, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग ना,
तो इसके अंदर से जो लो कंसेंट्रेशन का था सॉल्यूशन वो क्या हुआ, बाहर के तरफ आया, समझ गए। तो ये क्या सिकुड़ गया, है ना, दिस इज एक्जो ओसमोसिस, ठीक है। और दूसरे आप देखे होंगे, मान लीजिए आप काफी देर तक पानी में डुबकी लगाएं, या सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप पानी ले लीजिए, उसमें हाथ को खाली खाली पानी में एक घंटे के तरफ ऐसे डुबा के रखिए, आप देखना आपका हाथ जैसे लगेगा ही फूल गया है, बोटा हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं पानी के अंदर, हाथ के अंदर सेल्स है, वो सेल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन से, दैट विल एक्ट एज सिंपल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन कम है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा सेल के अंदर, तो सॉल्वेंट स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कम, यानी पानी उसके अंदर घुसता है, ऐसे लगता है मोटा हो गया है ना। और दूसरी तरफ आप जब वॉशिंग पाउडर पानी में साफ करते रहो, आप देखना आपका हाथ सुकड़ता हो लगा। आप देखे होंगे, दिस इज ए कॉमन एग्जाम्पल, आपका हाथ जैसे लाइनिंग लाइन सी हो गई। क्यों ऐसा हुआ ना, इसका जो पानी का वॉशिंग सोडा पानी का क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, और जो हमारा सेल के अंदर है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, समझ गए। तो सेल के अंदर से पानी से बाहर आया, तो हमको लगा कि हमारा हाथ सुकड़ सा गया है ना। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्जोसोमोसिस एंड एंडोसोमोसिस। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज ओसमोसिस, व्हाट इज ओसमोटिक प्रेशर, व्हाट इज एंडोसमोसिस एंड व्हाट इज एक्जोसमोसिस, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कि प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज 25 mm ऑफ HG एट 37 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन, आर इज गिवन इज इक्वल 0.0821 लीटर एटम, डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, प्रोटीन डला हुआ है, और जो प्रोटीन हो गया वो सॉल्यूशन कितना ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है, 25 mm ऑफ HG, कितना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, कितना ग्राम डाला है 7 ग्राम। तो डाटा गिवन टेम्परेचर T = 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल कितना केल्विन, 310 केल्विन, ठीक है ना, 310 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई इक्वल 25 mm ऑफ HG इज इक्वल टू 25760 atm, क्योंकि यहाँ R कितने में दिया है, ATM में दे रखा है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू ATM, 760 mm इज इक्वल टू 1 ATM, सो 25 mm इज इक्वल टू 725/760 ATM, राइट, कन्वर्जन इनटू वन सिस्टम ऑफ यूनिट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100 मिलीलीटर, लेकिन हमको वॉल्यूम कितने में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो 100/1000 इज इक्वल टू 0.1 लीटर। मास ऑफ द प्रोटीन सॉल्यूट कितना दे रखा है, 7 ग्राम। अभी सारा आ गया, अभी हम फॉर्मूला निकाले थे, एम इज इक्वल टू W/πvRT, है ना, एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, डब्ल्यू मास ऑफ द सॉल्यूट, वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने सब सारे मूल वैल्यू पुट कर दिया, W 7, R 0.0821, T 310 होल डिवाइड बाई पाई कितना था, 25760 इंटू 0.1 किसका वैल्यू, वॉल्यूम का, ठीक है ना। अब इसको हमने कैलकुलेशन किया तो वैल्यू कितना आया, 54093.76, दिस इज द मॉलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन, आप समझ गए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, सारे को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, दूसरा यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखती है तो ये आसानी से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं।